नमस्कार दोस्तों, मैं बीरबल यादव पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग एक नए अंदाज में। रीजनिंग नए अंदाज में पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें बाय स्टडी यूट्यूब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करें और बनिए जीरो से लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म चौधरी आपको पढ़ाऊंगा राजनीति विज्ञान एक नए अंदाज में। पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें बाय स्टडी यूट्यूब चैनल। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाई स्टडी यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज कंप्यूटर की थर्ड क्लास और आज हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं जिसमें एक नंबर पे होता है इंकजेट प्रिंटर, नंबर दो पे होता है लेजर प्रिंटर और नंबर तीन पे होता है थर्मल प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर होता है, यह कलर प्रिंटर होता है। इसमें प्रिंट हेड से इंक का स्प्रे किया जाता है और इसमें इंक के लिए कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर में इंक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर में इंक के लिए कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की क्वालिटी पीपीएम में मापी जाती है। लेजर प्रिंटर की क्वालिटी पीपीएम में मापी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है पेज पर मिनट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पेज पर मिनट। अच्छी क्वालिटी की इमेज बनाने के लिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है और वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। इसमें इंक के लिए टोनर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इंक लेजर प्रिंटर में इंक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इंक के लिए टोनर का प्रयोग किया जाता है, जबकि इंक जेट प्रिंटर में कार्ट्रिज का प्रयोग किया जाता है और इसकी गति ppm में मापी जाती है। लेजर प्रिंटर की क्वालिटी ppm में मापी जाती है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे है अपना थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा कि ATM से निकलने वाली रसीद की प्रिंटिंग करने के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर में आएगा थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का प्रयोग इसके अलावा आर्ट और डिजाइन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आर्ट और डिजाइन बनाने के लिए भी थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और ATM की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है मेमोरी। मेमोरी का यूज डेटा को स्टोर करने के लिए तथा आवश्यकता पड़ने पर डेटा को रिट्राइव करना। रिट्राइव का मतलब होता है वापस प्राप्त करना। हम मेमोरी में किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करते हैं, जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उस डेटा को हम वापस प्राप्त भी कर सकते हैं। तो वापस प्राप्त करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी में हम शामिल करते हैं रैम और रोम को। इनको मेन मेमोरी में शामिल किया जाता है। रैम और रोम को मेन मेमोरी में शामिल किया जाता है, जिसमें एग्जाम में पूछा जाता है रैम की फुल फॉर्म और रोम की फुल फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैश मेमोरी। ये सिस्टम के मध्य लगी होती है और बार बार प्रयोग में लाई जाती है। सीपीयू के द्वारा बार बार प्रयोग में लाई जाती है। यह मेमोरी बहुत उच्च गति की मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी होती है। यह बहुत ही उच्च गति की मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। यह सीपीयू और मेन मेमोरी की स्पीड को बढ़ा देती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैश मेमोरी कौन कौन सी मेमोरी की स्पीड को बढ़ा देती है। तो यह सीपीयू और मेन मेमोरी की स्पीड को बढ़ा
देती है और यह सीपीयू के द्वारा बार बार प्रयोग में लाई जाती है। सीपीयू के द्वारा बार बार प्रयोग में लाई जाती है। यह अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, यानी अनपरमानेंटली डेटा को स्टोर करती है कैश मेमोरी। इसमें कम समय के लिए डेटा को स्टोर किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह मेमोरी बहुत उच्च गति की होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा गति वाली मेमोरी होती है वो मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। कौन सी होती है? रजिस्टर। सबसे अधिक गति की रजिस्टर मेमोरी होती है, उसके बाद में होती है कैश मेमोरी होती है, उसके बाद में होती है मैन मेमोरी होती है, और उसके बाद में होती है हार्ड डिस्क। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे उच्च गति की मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर मैन होती है और हार्ड डिस्क होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, मैन मेमोरी में अपन रैम और रोम को भी शामिल करते हैं। मैन मेमोरी में रैम और रोम को भी शामिल करते हैं, जो आगे नीचे कि मैन मेमोरी में रैम एंड रोम को शामिल किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक नंबर पे होती है अपने पास में रैम और दूसरे नंबर पे होती है अपने पास में रोम। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें एक नंबर पे होता है अपने पास में रैम और दो नंबर पे होता है अपने पास में रोम। रैम तथा रोम। रैम मेमोरी होती है, ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है डी रैम। कौन सी होती है? डी रैम। और दूसरी होती है एस रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक, क्या होता है? डायनेमिक रैम। और एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, ये इसका मतलब होता है। तो रैम, रैम की फुल फॉर्म होती है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा रोम की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और ये मेमोरी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम, जिसमें पीरोम का प्रयोग केवल डेटा को एक बार स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ईपीरोम, इसमें केवल डेटा को टू टाइम्स अपलोड कर सकते हैं और एक बार डेटा को मिटाने के लिए इसमें अल्ट्रासोनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है। और ईपीरोम का एनी टाइम डेटा को अपलोड करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बार बार मिटाने के लिए ईपीरोम मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बार बार मिटाने के लिए ईईपीरोम मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है, ईईपीरोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसका होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और इसकी होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसकी होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसका होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इनकी फुल फॉर्म होती है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में स्पेशल। तो अपन रैम के लिए यूज करते हैं, सबसे पहले इस मेमोरी को या इस मेमोरी कंप्यूटर में पढ़ने और लिखने वाली मेमोरी भी कहते हैं। किसको? रैम को। रैम को कंप्यूटर में पढ़ने और लिखने वाली मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रैम को अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद में, यह मेमोरी तब तक कार्य करती है जब तक सिस्टम में पावर सप्लाई ऑफ होती है, पावर सप्लाई ऑन होती है, और जैसे ही ऑफ होगी अपना कार्य बंद कर देगी, और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगी कार्य बंद करेगी तो इसमें जो डेटा होंगे वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ? रैम मेमोरी को पढ़ने और लिखने वाली मेमोरी भी कहते हैं, और यह अस्थायी मेमोरी होती है। यह सिस्टम में पावर सप्लाई ऑन होने पर
कार्य करती है, जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है यह मेमोरी अपना कार्य बंद कर देती है और इसमें जो डेटा होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी के नाम से किस मेमोरी को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रैम को। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा इस रैम को हम परिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वोलेटाइल मेमोरी यानी रैम को बोला जाता है या रैम को कहते हैं। उसके बाद में रैम मेमोरी होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है डायनेमिक रैम और एक होती है स्टैटिक रैम। तो जो डायनेमिक रैम होती है वो रिफ्रेश नहीं होती है। डायनेमिक रैम रिफ्रेश नहीं होती है और रिफ्रेश नहीं होती है इसलिए इसकी गति कम होती है। डायनेमिक रैम होती है ये मेमोरी रिफ्रेश नहीं होती है और रिफ्रेश नहीं होती है तो इसकी गति कम होती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रिफ्रेश नहीं होती है। वो डायनेमिक रैम है जो रिफ्रेश नहीं होती है। रिफ्रेश नहीं होने के कारण इसकी गति कम होती है। उसके बाद में यह कंप्यूटर में मैन मेमोरी के लिए उपयोग होती है। कौन सी मेमोरी के लिए उपयोग होती है? मैन मेमोरी के लिए। और मैन मेमोरी में क्या होता है? अपना रैम और रोम। ध्यान रखना इस चीज का, एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद में अपनी स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम यह मेमोरी बार बार रिफ्रेश होती है और कोई मेमोरी जो बार बार रिफ्रेश होगी तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड या गति भी क्या होगी? तेज। इसलिए स्टैटिक रैम की गति तेज होती है डायनेमिक रैम से। कौन सी रैम से? डायनेमिक रैम से। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन सी गति रिफ्रेश, कौन सी मेमोरी रिफ्रेश नहीं होती? डायनेमिक रैम रिफ्रेश नहीं होती। रिफ्रेश नहीं होने के कारण उसकी गति कम होती है। उसके बाद में स्टैटिक रैम, ये गति, ये मेमोरी बार बार रिफ्रेश होती है और रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति तेज होती है। और ये जो स्टैटिक रैम मेमोरी होती है सीपीयू के केस के लिए उपयोगी होती है। सीपीयू केस के लिए उपयोगी कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी होती है। एग्जाम का क्वेश्चन है। इसके अलावा अदर्स में ईडीओ की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है। ईडीओ की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंड डेटा आउटपुट। इसमें 256 बाइट इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। 256 बाइट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? ईडीओ मेमोरी का। और इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है एक्सटेंड डेटा आउटपुट। इसके बाद में एसडी रैम, यह सीपीयू जैसी होती है और क्लॉक रेट का यूज करती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू की क्लॉक रेट को यूज करती है? वो होती है एसडी रैम, स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसके फुल फॉर्म होती है। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी होती है मुख्यतः टू टाइप्स होती है, सिक्वेंसर डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, जिसमें हम केवल पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के बारे में। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में सबसे पहले होती है मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क होती है टू टाइप्स होती है। एक नंबर पे होता है अपना हार्ड डिस्क, हार्ड फ्लॉपी डिस्क। इनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क, फिर उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क। ऑप्टिकल मेमोरी होती है ये दो प्रकार की होती है, जिसमें सीडी को और डीवीडी को काउंट किया जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में होता है मेमोरी स्टोर डिवाइस की। हम स्टोरेज के लिए कौन कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं? जिसमें फ्लैश ड्राइव होता है और मेमोरी कार्ड होता है, ये होती है मेमोरी। अब इसमें एक एक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। इसका दूसरा क्वेश्चन होता है एग्जाम के लिए कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से रोम को जाना जाता है। इसे स्थाई मेमोरी भी कहते हैं और अस्थाई होती है रैम, उसे अस्थाई कहते हैं। ये पावर ऑफ होने पर भी डेटा को स्टोर रखती है। और वो रैम मेमोरी होती थी वो क्या करती थी? जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती थी अपना कार्य बंद कर देती थी और जिसमें उपस्थित डेटा थे वो भी नष्ट हो जाते थे।
इस मेमोरी में जो डेटा फिक्स होते हैं उसे बदल नहीं सकते, और इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर भी रोम ही आएगा। इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद में ये मेमोरी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, जिसमें एक नंबर पे आता है पीरोम, दो नंबर पे आता है इसमें ईपीरोम, और तीन नंबर पे होता है अपना ईईपीरोम। इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो पीरोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम की होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीरोम की होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इनमें हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पीरोम, पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करते हैं, इसमें केवल एक बार डेटा को सेव किया जाता है। तो एक बार डेटा को सेव करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, पीरोम का। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि एक बार डेटा को सेव करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, और इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य भी किया जाता है पीरोम में। इसके बाद में दो नंबर पे है ईपीरोम। ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे तो। इसमें उपस्थित सूचनाओं को 15 मिनट के लिए अल्ट्रा वायलेट के सामने लाकर मिटा सकते हैं। कहने का मतलब इसमें जो डेटा होते हैं उनको यदि लगातार 15 मिनट के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों के सामने रखा जाए तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। इसमें एक हिस्से को नहीं बल्कि पूरे कंटेंट को एक साथ मिटा सकते हैं। इसमें एक हिस्से को नहीं पूरे कंटेंट को एक साथ मिटाने का कार्य किया जाता है ईपीरोम में। अब बात करते हैं हम फ्लैश मेमोरी की। फ्लैश मेमोरी होती है, यह मेमोरी इस टाइप प्रकार की मेमोरी होती है, और यह मेमोरी ट्रांजिस्टर का प्रयोग करती है। यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किसमें किया जाता है। फ्लैश मेमोरी का प्रयोग डिजिटल कैमरे और MP3 प्लेयर में किया जाता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किसमें किया जाता है, डिजिटल कैमरे में और MP3 प्लेयर में। और ये मेमोरी इस टाइप प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इसका तीसरा क्वेश्चन कि सबसे तेज गति से कार्य करने वाली मेमोरी कौन सी होती है, वो होती है ट्रांजिस्टर। सबसे पहले होती है ट्रांजिस्टर, फिर होती है कैश मेमोरी, फिर होती है मैन मेमोरी, और फिर होती है हार्ड डिस्क। ये इनका बढ़ते से घटते क्रम में और घटते से बढ़ते क्रम में भी पूछ सकता है। उसके बाद में बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए, उस लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम यूज में लाते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। यह मैन मेमोरी की तुलना में धीमी होती है, और यह इनपुट और आउटपुट के द्वारा मेमोरी को एक्सेस करती है। किस किस के द्वारा करती है, इनपुट और आउटपुट के द्वारा मेमोरी को एक्सेस करती है और धीमी होती है। यहाँ से मैं कुछ क्रम लिख रहा हूँ। सबसे पहले होती है अपने पास में रजिस्टर मेमोरी, जो सबसे तेज काम करती है। उसके बाद में होती है कैश मेमोरी, उसके बाद में होती है मैन मेमोरी, और सबसे धीमी गति से कार्य करती है वो करती है हार्ड डिस्क। ये सबसे लो। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सबसे तेज गति वाला, ये कैश मेमोरी सीपीयू के द्वारा बार बार प्रयोग में लाई जाती है। मैन में शामिल करते हैं अपन रैम और रोम दोनों को शामिल करते हैं, और हार्ड डिस्क होती है सिस्टम की सबसे लंबी मेमोरी होती है। इसकी कैपेसिटी प्रेजेंट टाइम में 2 TB तक है। 2 TB का मतलब 2 TB तक है। 1024 MB, 1024 MB किसके इक्वल होता है, 1 GB के इक्वल होता है। 1024 GB होता है वो 1 TB के इक्वल होता है। तो 1024 GB किसके बराबर होता है, 1 TB के बराबर होता है। तो 1024 × 2 2048 GB = 2 TB, इतनी कैपेसिटी होती है वर्तमान समय में हमारे हार्ड डिस्क की। ऑप्टिकल
मेमोरी में अपन शामिल करते हैं डीवीडी और सीडी को, ये ध्यान रखना एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेमोरी होती है, बात कर रहे थे अपन किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की, ये पावर सप्लाई और फोन पर डेटा को स्टोर भी रखती है, और प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी धीमी होती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्ड डिस्क को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे वैनचेस्टर डिस्क के नाम से जाना जाता है। वैनचेस्टर डिस्क के नाम से किसे जाना जाता है, हार्ड डिस्क को। पहला क्वेश्चन, इसमें डेटा ट्रैक और सेक्टर्स पे स्टोर किए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कहाँ किए जाते हैं। हार्ड डिस्क में डेटा ट्रैक एंड सेक्टर्स पर स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा यह डिजिटल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो हार्ड डिस्क होती है डिजिटल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा इसमें एक चुंबकीय डिस्क होती है, और चुंबकीय डिस्क होती है जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें ट्रैक और सेक्टर का निर्माण भी किया जाता है। यह है डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क मेमोरी। और इसकी क्षमता होती है वो डेटा रेट में मापी जाती है। एग्जाम का क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है, डेटा रेट में मापी जाती है। हार्ड डिस्क IBM के द्वारा बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई है, IBM के द्वारा, और IBM की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद में हम बात करते हैं CD एंड DVD की। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD की फुल फॉर्म होती है दो, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और CD की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसकी क्षमता 700 MB होती है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके अलावा इसका बाहरी आवरण जीरो ट्रैक्स कहलाता है, और डेटा स्टोर सेक्टर्स पे किए जाते हैं, और जो सीडी का कलरफुल एरिया होता है वो सेक्टर्स कहलाता है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि DVD की कैपेसिटी कितनी होती है। DVD की कैपेसिटी 4.7 GB तक होती है, और मैक्सिमम 8.5 GB तक भी हो सकती है, जबकि CD की कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है। उसके बाद में बलूरी डिस्क, जिसे आज प्रेजेंट टाइम में हम यूज कर रहे हैं CD और DVD, ऐसे ही आने वाले भविष्य में या फ्यूचर टाइम में हम DVD की जगह यूज में लाएंगे ब्लूरे डिस्क को। ये DVD की जगह प्रयोग में आएगी। इसमें डेटा उच्च गुणवत्ता के साथ में रिकॉर्डिंग किया जाता है, और इसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ब्लूरे डिस्क में डेटा को रिकॉर्डिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लूरे डिस्क में डेटा को रिकॉर्डिंग करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी क्षमता कितनी होती है, इसकी क्षमता 50 GB से लेकर 500 GB तक होती है। उसके बाद में अपना चलता है पेन ड्राइव या USB। ये बना है देता हूँ, कर देता हूँ कंप्लीट, 5 मिनट का और जाएंगे इसमें, चलो करो। उसके बाद में है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव यूएस